हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं जनमजय कुमार शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जे जे एंटरटेन। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की जो वीडियो है वो है आज के स्पेशल डे रक्षाबंधन के ऊपर। जी हाँ, तो आज की वीडियो राखी के ऊपर होने वाली है। तो राखी का डेफिनेशन तो हम सभी जानते हैं कि राखी का मतलब है कि भाइयों की जेब ढीली होना और बहनों की लॉटरियां लगना। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, राखी का एक्चुअली जो ट्रू डेफिनेशन है वो ये है कि बहनें जो है वो भाइयों के कलाई पे राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही भाई जो है अपनी बहन को वचन देते हैं कि उनकी रक्षा करेंगे, और मिठाई खिलाई जाती है भाइयों को, राखी बांधी जाती है और भाई गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं। तो भाई ये है रक्षाबंधन। तो काफी स्पेशल त्योहार है हमारे लिए, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है। तो आज जो रिएक्ट करने वाला हूं मैं वीडियो पे, तो वो वीडियोस है आज इंडियन एड्स। जी हाँ, तो इंडिया के कुछ ऐसे एड्स जो कि राखी को लेकर के एक राखी के ऊपर बनाए गए थे वैसे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को और रिएक्ट करते हैं, फिर बात करते हैं आगे कि कैसी लगी वीडियो और क्या था। सो ज्यादा देर ना करते हुए रिएक्शन शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो जो वीडियो अभी मैं देखने जा रहा हूँ ये प्लस फिल्म यूट्यूब चैनल नाम के अकाउंट पे आपको मिल जाएगी, जो कि जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए रिएक्शन शुरू करते हैं। एंड 3 2 1 गो। नाइस। राखी बांध रही है बहन। जीते रहो जीते रहो। एक और बड़ी बहन ऐसे करती है। एक और लगाओ यार जी। और क्या मारते ही रहोगे, कुछ मीठा भी खिला दो। ले राखी बांध करके मारता कौन है? झूठी सच्ची ये सच्ची में आपने बनाई है? सही है। अच्छा मुझे भी खिलाएगा? देख सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं तेरे इंतजार में। यार हम भी ऐसा करते हैं, मिठाई मिलती है हम खा जाते हैं, बहन को नहीं खिलाते हैं। ये ना मेरे साथ पैक होके मेरे घर जाएगी। थैंक। अबे दे, मैं नहीं दे रहा। हाँ आई। देख खत्म मत करियो, फूट दूंगी। फूट दूंगी। क्या हुआ? नमक कहाँ है? वही तो है। ये तो खाली है दीदी। इस बहनी में तो ही नमक है, इसमें तो चीनी थी। चीनी तो ये है, वो चीनी पिस के रखी है ना। अच्छा, इसलिए आपको लगा तो खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया। हाँ वो लेकिन मैं दूंगा। मैं सिमी मुझे भी नहीं दे रहा है, और शायद इसीलिए नहीं दे रहा। इमोशनल हो गई बहन। अच्छा रो मत ना दी, मैंने आपके लिए गिफ्ट भी मंगाया। दे तो दिया तूने, गिफ्ट ऑलरेडी दे दिया। कुछ तोहफे डिब्बों में नहीं आते। सॉरी गिफ्ट पेपर मांगना भूल गया। डिलीवर द लव। Amazon.in डब्बे पे लिखा था सॉरी गिफ्ट पेपर लाना भूल गया। ओके वर्चुअल राखी। बस कर ना। शॉट आउट। ओके राखी मिली ना तुझे? अब बांध भी दे इसको, ये बहुत शौक है ना तेरे को डिजिटल डीवा बनने का। अच्छा खासा कह रहा था कि मैं आ जाता हूँ, मगर नहीं। लेट्स सेलिब्रेट अ वर्चुअल राखी। नहीं बकवास करता है तू, इट्स टाइम टू स्टे सेफ। ओके ये एड कोविड के टाइम पे बनाई गई है। तू है गधी। चलो बता मेरा गिफ्ट का है। किस बात का गिफ्ट? ये खुद को राखी बांधने का। बात सही है, साल में एक दिन आता है जब हम लोग एक्चुअली में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इतना नौटंकी है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। अरे लिसन, ये देख मैंने खुद राखी बांधी। उदास हो गई बहन। I miss you, छुटकी। अच्छा छोटी बहन है। सुना है मेरे को रुलाया बुलाया मत। मेरा मेकअप खराब हो जाता है। मेकअप के बाद भी लगती तो तू बंदरिया ही है। खुद को देखा तूने? ये हम भी करते हैं एक्चुअली। बड़ा हीरो बना करता है। नोक झोक बंधन राखी भी थोड़ा प्यार थोड़ा मोहर।
ब्यूटीफुल एड बजाज दी. राखी आ रही है ना? हाँ, क्यों? नहीं, क्योंकि उसी हफ्ते फ्रेंडशिप डे भी है. तो तू सालों बाद सिंगल हो रही है ना? सिंगल डिवोर्सी वुमन, ताने खाने के लिए बिल्कुल रेडी. उसका टेंशन तू मत ले, मैं हूं ना, आई विल प्रोटेक्ट यू. प्रोटेक्ट किससे? मम्मी पापा से या सोसाइटी से या ट्विंकल आंटी के जजमेंट से? सेकंड गेसिंग से. सेकंड गेसिंग? हर उस थॉट से दैट मेक्स यू डाउट योरसेल्फ. तूने भी हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट किया ना मुझे, ब्रेकअप के बाद, एग्जाम्स के पहले, बाय टेलिंग मी आई शुड बिलीव इन माय सेल्फ. ये बोल के कि सारी दुनिया को गलत लगे लेकिन तुझे लगता है सही है तो सही है. बस फिर तुझे लगता है सही है तो सही है. सिंगल डिवोर्सी वुमन, मेरी मानेगी तो हैज अ नाइस रिंग टू इट. अच्छा चल, अब फिर से छोटा भाई बन जा. और ये बता, गिफ्ट क्या देने वाला है? अर्जेंट मीटिंग है. गिफ्ट के नाम से राखी गिफ्ट? क्या, कम ऑन. अरे मैं ही तेरा गिफ्ट हूँ. प्रोटेक्शन का प्रॉमिस ना एक तरफा होता है ना एक दिन का. कुछ ऐसा ही है बजाज आलियांज लाइफ का टर्म इंश्योरेंस प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो आपको वापस करे सारे प्रीमियम्स पॉलिसी टर्म खत्म होने पर. रिश्तों की रक्षा डन तो लाइफ गोल्स डन. चलो रूही बेटा, आरो भैया को राखी बांधो. रूही स्माइल. टीका करो. अरे छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं राखी को लेकर के. मैं नहीं आ सकती थी. मां मैं खेलने जा रहा हूं. अरे आ रहा हूं, रुको. मामा, दादू इतने एंग्री क्यों है? बेटा, दादू हर रक्षाबंधन पे अपनी बड़ी बहन को राखी बांधते थे और वो आपके दादू के लिए उनके फेवरेट लड्डू लाती थी. इस बार वो नहीं आ पाए. दादू क्यों राखी बांधते थे? क्योंकि वो आपके दादू को प्रोटेक्ट करती थी, इसलिए. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्टोरी. दादू, ये आपके फेवरेट लड्डू. दादू आप मुझे राखी बांध दो, अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूं. अरे वाह. त्योहार का मजा तो अपनों के साथ ही है. बिल्कुल. और उसे यादगार बनाते हैं हम फर्न्स एंड पेटल्स. दीदी, बचपन से हमेशा आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है. वास तोड़ने पे पापा की डांट से, स्कूल में बुलीज से, गलत डिसीजन लेने पे, और फिर दिल टूटने पे रात रात जाग के. तो फिर राखी भी तो मुझे आपके हाथों में बांधनी चाहिए, है ना? करेक्ट. बांध दूं? हैप्पी राखी. जरूरी थोड़ी है राखी बहन ही सिर्फ भाई को बांधे. और मेरा गिफ्ट? ये लो तुम्हारा गिफ्ट. कैसा लगा? द मैन कंपनी. बड़ा ड्रामेबाज है. न्यू इज गुड when you exchange traditions for truth. For the gentlemen who are discovering the new, the man company, bring out the gentleman in you. Perfect thought. For the times when I sleep peacefully, knowing that you are awake. For the times you make sure I have no unwanted visitors. For the times you've served me with a smile, even on a crappy day.
दीदी आज कपड़े? कपड़े नहीं है। hey, एक सेकंड। हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छा जितने भी स्टाफ है सबको मतलब एक लेटर के साथ और मिठाई। It's for these moments I have known that I'm always safe because of you. Beautiful ad. गुलाब जामुन is every भैया's favorite. तो इस रक्षाबंधन उन्हें बोले थैंक यू किट से। Okay. ये सब अलाउड नहीं है मैडम। भैया बस राखी बांध कर चली जाऊंगी। एक कोविड वार्ड है मैडम, समझा करो। अच्छा ये राखी दे दो ना प्लीज। भैया हैप्पी रक्षाबंधन। बहन नहीं जा पाई राखी बांधने अंदर। आई गेस कोविड के टाइम का ऐड है। सिस्टर एक मिनट। आ रही हूँ। अरे ये क्या? अच्छा मुझे क्यों राखी बांध दिया? क्योंकि सिस्टर होकर भाई होने का फर्ज तो आप ही निभा रही है ना। True. क्यों सिस्टर? तुझसे है आज कितनों के जान बचाई है कोविड टाइम में लाइक डॉक्टर्स ने। सो राखी तो डिजर्व करते हैं यार। राखी द रियल प्रोटेक्टर्स ऑफ मैनकाइंड। Many kids like Shubham have to live without limbs in India. And unlike other brothers on Raksha Bandhan, their sister can't tie a rakhi on their hand. They miss the feeling. मैं कभी-कभी सोचता हूँ राखी बांध के कैसा फील होता होगा। राखी के धागे बहुत सॉफ्ट होते होंगे। हमारे हाथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है एहसास करना, फील करना। ट्रू। नॉर्मल प्रोस्थेटिक हैंड्स जो होते हैं उनमें कोई एहसास नहीं होता। सो फॉर दिस रक्षाबंधन द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिबलिंग फेस्टिवल इन द वर्ल्ड कैडबरी सेलिब्रेशंस डिसाइडेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर देम। कैसे हो शुभम? माय फर्स्ट ट्राई। आप लोग ठीक हैं? कैडबरी सेलिब्रेशंस इन कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट्स बिल्ट अ लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक हैंड एनेबल्ड विद फ्लेक्स सेंसर्स एंड अ वाइब्रेशन मोटर डिजाइन्ड टू फील द टच ऑफ एवरीथिंग इवन द थ्रेड्स ऑफ राखी। फील हो रहा है? यहाँ पर फील हो रहा है? दोबारा ट्राई करें। अब महसूस हुआ? What we did with the product development process is we used machine learning and artificial intelligence based computer feature which is a software feature in Fusion 360 which allowed us to create a durable lightweight prosthesis. इस बार मैं अपनी सिस्टर को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। वो इस बार बहुत बहुत खुश होगी। राखी जो बांध पाएगी। आउच, थैंक यू। The aim is to help not just Shubham but many children like him across India. We published our creation on Cadbury Celebrations MyFirstRakhi.com to make it accessible to others so that they can help children like Shubham feel a sense of touch. Cadbury Celebrations. Kuch achha ho jaye, kuch meetha ho jaye. Wow. वाओ एक्चुअली वाओ क्या एड्स थे यार। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इंडिया के जो एड्स होते हैं वो आई गेस किसी भी कंट्री के एड्स से ज्यादा बेटर होते हैं। बिकॉज यार इंडिया के एड्स में स्टोरीज होती है, इतने कमाल की स्टोरीज। आपने खुद ही अभी देखा होगा कि इतने सारे एड्स हमने देखे, सभी राखी के ऊपर थे बट सब अलग स्टोरी कह रहे थे। किसी में भाई बहन के नोकझोंक को दिखाया गया तो किसी में बहन भाई को राखी बांधना चाहती थी बट नहीं बांध पा रही थी बिकॉज भाई की तो हाथ ही नहीं थी तो उसको हाथ मिला एंड राखी बांधी। किसी में दिखाया गया कि लाइक स्टाफ्स भी हमारे लिए मैटर करते हैं, हमारे जो घर के स्टाफ्स होते हैं बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट रखने के लिए काफी कुछ करते हैं। सो हर एक एड कुछ ना कुछ एक नई स्टोरी कह रही थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और एक एड आया जो कि कोविड के टाइम का था, जो एक तो वर्चुअल के लिए था, वो लोगों को अवेयर करने के लिए था कि जरूरी नहीं है कि रक्षाबंधन है, ऐसे सिचुएशन में आप घर से बाहर निकले, आप वर्चुअली भी
अपने भाई बहन को एक दूसरे के साथ राखी सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट एक जो दूसरी एड थी जिसमें कि बहन भाई के पास नहीं जा पाती है बिकॉज भाई को कोविड हुआ है एंड भाई को राखी मिलता है तो भाई खुद नहीं बांधता है, वो सिस्टर यानी कि जो नर्स होती है उनको बांध देता है। सो एड बिल्कुल दिल को छूने वाली थी बिकॉज एक्चुअली दे डिजर्व दिस। एंड राखी का मतलब सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, हम कहते हैं कि राखी का मतलब है कि जो हमें प्रोटेक्ट करता है, लाइक सिस्टर्स हमें बांधती है बिकॉज हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, हम उन्हें प्रॉमिस करते हैं प्रोटेक्ट करने की। बट जरूरी नहीं है हमसे, हमारी जो एल्डर सिस्टर्स होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। सो हमें उनको भी राखी बांधनी चाहिए और सिर्फ उन्हीं को नहीं, जो लोग भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें राखी बांधनी चाहिए। मेरे लिए तो यही डेफिनेशन है राखी का। तो दोस्तों ये थे रक्षाबंधन के कुछ खास एड्स कैडबरी, अमेजोन और भी सारे बजाज इन सब के, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और इन सारे एड्स में से आपका फेवरेट एड कौन सा था ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें काफी लोगों ने मुझे काफी कुछ सजेस्ट किया, इवन कुछ लोगों ने मुझे बोला कि पाकिस्तानी वीडियोस पर रिएक्ट करो, कुछ लोगों ने मुझे काफी कुछ और सजेस्ट किया। सो थैंक यू सो मच अपना सजेशन देने के लिए, एंड मैं आपके सजेशन को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करने वाला, मैं उस पर काम करूंगा एंड डेफिनेटली मैं आपकी बात मानने वाला हूँ। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहे और अपना प्यार देते रहे ऐसे ही। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज अभी जरूरत है मुझे आपकी सपोर्ट की। तो दोस्तों आज की वीडियो तो काफी स्पेशल थी, मुझे मजा आ गया करके, एंड अब मुझे भी राखी बंधवानी है, अभी तक मेरी कलाई सुनी है खाली है, तो मुझे भी राखी बांधनी है एंड मैं चला बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड रक्षाबंधन मनाने के लिए। आप कितने हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं, एंड आपके लिए रक्षाबंधन का ट्रू डेफिनेशन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो दोस्तों ऐसे ही स्पेशल और खास वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहे जे जे एंटरटेन। तब तक के लिए नमस्ते।